एवरीवन, आज मैं ऐसा स्लीपर बनाने जा रही हूँ जिसके लिए मुझे ये फोम सेट लगेगा। और सबसे पहले हम अपने पैर का इस पर ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ। ये देखिए, पहले इसको ऐसा ड्रॉ करेंगे और इस पर आधा इंच मार्जिन लेंगे सिलाई का। तो मैंने ऐसा ड्रॉ कर लिया है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया। अब इसी के साइज़ का मैं कपड़े कट कर लूँगी। एक नीचे की तरफ कट करूँगी और एक ऐसा ही ऊपर के लिए कट करूँगी। ये देखिए, मैंने एक नीचे कपड़ा रखा है, उसके बाद ये फोम सेट और उसके बाद ये कपड़ा करके इसको सिल दूंगी। चारों तरफ से सब सिलाई कर दूंगी। इसका ये शेप लेने के लिए आपको क्या करना है, इसे पैर पे रख के इसको ऐसे इधर तक ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करके इसका आधा आधा मार्जिन लेके कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसके भी साइज का दो कपड़े काट लिया है। एक नीचे कर कट रखा है और एक बीच में ये फॉर्म से, और उसके बाद ये कपड़े। इसको भी मैं चारों तरफ से कट कर लूँगी और एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर लूँगी। ये देखिए, मेरा सिल के हो गया है और जो एक्स्ट्रा कपड़े थे उनको मैंने कट कर लिया। अभी ये लेस है, अगर आपके पास लेस नहीं होगा तो आप कपड़े का भी पाइपिंग कर सकते हैं क्रॉस पट्टी काट के। और मेरे पास लेस है तो मैं लेस लगा रही हूँ। इसको तो दोनों तरफ से ऐसा करके इसको यहाँ पे पाइपिंग कर देंगे। देखिए, यहाँ पे लेस लग गया है। अभी इसका सेंटर लगा निकालेंगे यहाँ पे, और इसका भी सेंटर निकालेंगे और इसको जॉइन कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसको जोड़ दिया है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं सिलने के बाद जो बच जाता है उसको कट करके यहाँ पे मैं लेस लगा दूंगी। आपके पास लेस नहीं होगा तो आप कपड़े भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मेरा स्लीपर बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इसको घर में एक बार जरूर बनाने का ट्राई करें। थैंक यू।